हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यरपन सिंह एंड वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल सत्यरपन सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल सत्यरपन सिंह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। ये योगर्ट डेजर्ट है, तो चलिए आपका समय ज़्यादा न लेते हुए स्ट्रॉबेरी श्रीखंड को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हैंकर्ड जो मैंने 12 घंटे तक ये हैंग करी है, और ये 200 ग्राम है। हैंग होने के बाद इसका वजन 200 ग्राम। और ये इलायची पाउडर 1 पिंच। 25 ग्राम मैंने हनी लिया यहाँ पे। और ये स्ट्रॉबेरी सिरप 40 ग्राम। और ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो मैंने चॉप करी हुई 60 ग्राम। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे पाइपिंग, मेरे पास बैग है, पाइपिंग बैग में इसे डाल दूंगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये स्ट्रॉबेरी का श्रीखंड। ये बहुत सारे फ्लेवर में बना सकते हैं आप, सैफ्रॉन में बना सकते हैं। मेरा ये बैग फुल भर चुका है उससे, और मैं इसके ऊपर रबड़ बैंड लगा लूँगा। इसे रबर बैंड से बंद कर लूंगा ऊपर से। और इसे अब फ्रिज में रख लेंगे। राइस फ्लावर, और ये 15 ग्राम मैदा, और ये 10 ग्राम कॉर्नफ्लावर, एक अंडा लिया है, और इससे पहले उसे अंडे के साथ ही मिक्स कर लेंगे। और ये सैफ्रॉन का पानी है 100 ml। अब इसे छान लेंगे। हम उसका कप बनाएंगे और स्ट्रॉबेरी के लिए। और ये बादाम लिए मैंने, हल्का रोस्ट करेंगे इन्हें। ये गार्निश के लिए ऊपर गच्चक बनाएंगे इसका। अभी अच्छा टोस्ट हो गया ब्राउन। ये शुगर लिया मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, इसे कैरेमल कर लूँगा। और थोड़ा इसे ब्राउन करेंगे। ये ब्राउन हो गए, और उसके बाद में मैंने इसे ऊपर से इस तरह से डाल लिया।
और ये ठंडा होने के बाद में मैंने इस तरह कट कर दिया इसे। यहाँ पर तेल लिया, तेल को मैंने इसमें जो ये लैडल को मैंने 180 सेल्सियस डिग्री पे 2 मिनट गर्म करा और ये इस तरह फिर से डाल दिया इसमें तेल में। बहुत इजी है ये, अपना भी छूट गया है इजीली। बस इसी तरह सारे बना लूँगा मैं। बस आपका जो ये लैडल है पहले अच्छा गर्म होना चाहिए, इसके लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा गर्म में ये नहीं बन पाएगा। जब आपका तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो इसे थोड़ा स्लो कर लेना फ्लेम को। फिर इसी तरह से इसे हल्का सा उसमें सेफ्रॉन के जो हमने ये घोल बना रखा है उसमें डुबा लें। बड़ा ही आसान है, अगर ये थोड़ा हल्का स्टिक होता है इस तरह से उसे चिमटे से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया खूबसूरत बन गया क्रिस्पी। अब प्लेटिंग की बारी है। ये वही जो मैंने गच्चक बनाया था तो ये उनके ऊपर डाल लिया, ये रेड अमरंथ और एक एक मिंट लीफ मैंने इस इनमें डाला है डेकोरेट के लिए। और इसी तरह प्लेटिंग डन हो गई सर्व करने के लिए स्ट्रॉबेरी योगर्ट। आई होप कि आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा स्ट्रॉबेरी श्रीखंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।